हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विशाल और स्वागत करता हूँ आपका विशाल HRD के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। जी हाँ, हम दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कोल्ड वेक की इस मशीन का हम पूरी प्रोग्रामिंग दिखाने वाले हैं और साथ ही इसके कैलिब्रेशन के बारे में भी आपको बताएंगे कि आप कैसे इसका कैलिब्रेशन कर सकते हैं, यानी कि हम प्रोग्रामिंग या सेटिंग कह सकते हैं आप, और इसका कैलिब्रेशन साथ में ही हम आपको एक इस वीडियो में दिखा देंगे पूरा। और बता दें आपको, ये वीडियो उन मशीनों के लिए है जो आपकी 100 किलो की हो गई, 200 किलो, 300 किलो, 400 किलो या 500 किलो, मतलब कहने की बात यह है आपकी एक क्विंटल से ऊपर की मशीन होगी तो आप उसका कैलिब्रेशन या फिर प्रोग्रामिंग इस तरीके से करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको, अगर 30 केजी तक के वेट मशीन का आप सेटिंग देखना चाहते हैं, वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, आपसे निवेदन रहता है कि आप वीडियो तो देखते हैं दोस्तों, पर उसे मतलब कि ना लाइक करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अगर यार आपके यूज़ आती है वीडियो तो कृपया उसको लाइक कर दीजिएगा, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। और आपसे निवेदन रहता है कि आप पूरी वीडियो देखें, आप मतलब कि 3 या 4, 5, 6 बस इतने मिनट की वीडियो देखते हैं, आप पूरे मिनट की वीडियो देखा करें। अगर 2 मिनट की है तो 2 मिनट की, ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो छोटी हो, पर आप नहीं देखते खैर कोई बात नहीं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग में एंटर होने के लिए आपको ये रेड वाली जो की दिख रही है सिक्की की, इसको आपको प्रेस करना होगा। इसको प्रेस करके रखना है और आपको इंडिकेटर की पावर ऑन करनी है। पावर ऑन हो तो ये आपको एंटर दिखाई देगा, एंटर करना है यहाँ से आपको, आप टेल और जीरो के यूज़ से एंटर हो सकते हैं प्रोग्रामिंग सिस्टम में। तो चलिए मैं टेल प्रेस करता हूँ उसमें। यहाँ से टेल प्रेस करने के बाद यहाँ दिखा रहा है मोड फंक्शन 2। NF को आप 1 या 2 कुछ भी रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर। एंड चलते हैं अगले स्टेप पे। फिर आपको अगले स्टेप पे जाने के लिए टेल 0 प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ दिखाएगा डिस 1। डिस 1 का यूज़ होता है दोस्तों, दरअसल जब भी आप अपने स्केल पर, कोई भी वेट नहीं होता आपके स्केल पर और आपका प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली होता है, तो वहाँ पर मतलब कि बाय डिफ़ॉल्टली या तो आपके स्केल में अगर 4 0 हैं तो 4 की 4 रहती हैं, या फिर 1 रहती है कभी कभी, या फिर आपने काफ़ी टाइम देखा होगा, ये रेयर केस में ही होता है कि कोई भी 0 नहीं दिखती बट स्केल ऑन होता है जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पर रखेंगे और वेट फिर दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो अगर यहाँ से अगर आप इसको 0 कर देते हैं तो मैं बता दूँ आपको, अगर DP आपने 4 कर रखा है तो 4 0 आपकी दिखी रहेंगी। बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी 0 सेट हैं वो आपकी दिखती रहेंगी। अगर इसको आप डिस को 0 कर देंगे तो जितनी भी आपकी 0 है उतनी ही आपको वहाँ पर शो होगी। अगर आप डिस को 1 कर देते हैं तो जैसे ही आपका प्लेटफॉर्म खाली होगा और वहाँ पे आपको सिर्फ 1 0 दिखाई देगी आपके इंडिकेटर में। और अगर इसी के साथ आप डिस्को 2 कर देते हैं तो जब आपका प्लेटफॉर्म खाली होगा तो वहाँ पर आपको इंडिकेटर में कोई भी 0 शो नहीं करेगी बट आपका स्केल जो है वो ऑन कंडीशन में रहेगा। इसके बाद इसको आप डिस्को, अगर आप 30 KG का यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको, मैं कहता हूँ मतलब कि 0 या 1 1 करके रखिए। वैसे तो आप, इससे आपकी बैटरी सेव होएगी और आपका बैटरी थोड़ी लॉन्ग चलेगी। अगर आप डिस 1 को रखते हैं तो जैसे स्लिप मोड में एंटर करेगा स्केल तो सिर्फ आपका वहाँ 1 0 दिखाएगा। डिस्को आपको 1 रहने देना है, उसके बाद आपको एंटर करके टेर ज़ीरो से आपको नेक्स्ट स्टेप पर चलना है। यहाँ पर आएगा स्पीड, आप 0 1 2 3 कर सकते हैं, स्पीड अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपका स्केल जो है काफ़ी ओल्ड हो चुका है और वेट अपना आराम से बताता है तो आप यहाँ से उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसकी स्पीड को 0 रहने देता हूँ और चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पर। टेर से नेक्स्ट स्टेप फिर आएगा आपका ALC 1। ALC को आपको 1 रहने देना है एयर लॉक को। ALC तब के लिए यूज़ होता है अगर आपका स्केल किसी ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर आपका या तो काफ़ी कंडीशन में होता है कि आप मतलब कि आपके काउंटर पे स्केल रखा है और ऊपर ही उसके फ़ैन लगा हुआ है और फैन से वो अपने आप ही फ्लक्चुएट होता रहता है वेट, तो ALC को मैंने 1 कर रखा है। आप भी 1 कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं आप ALC को। मैं ALC को 1 ही रखता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट सब मशीन में अधिकतर। और उसके बाद टेर्स और 0 से आगे चलता है।
इसके बाद आएगा आपका Otto03। Otto03 का हम यूज़ वहाँ पर करते हैं जैसे आपने कोई वेट रखा प्लेटफॉर्म पे और फिर जब आपको उसको हटाते हैं तो आपका कुछ वेट रिमेनिंग रह जाता है, मतलब कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं हो पाता वो। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ से उसको कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से आप उसको Otto03 पे सेट कर सकते हैं कि आपका वेट जो है कितनी फास्ट आपका ज़ीरो पे आ जाए, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइम में चलते हैं Otto03 से। उसके बाद आएगा दोस्तों यहाँ पर आपका Dummy01, यानी कि Dummy0 आपकी वन आएगी यहाँ पर। अगर आप Dummy0 को ज़ीरो रहन देते हैं तो जैसे कि आप कैलिब्रेशन करेंगे, अगर कैलिब्रेशन में सपोज़ करिए वहाँ पर आपका है 5 किलो वेट से आप कैलिब्रेशन कर रहे हैं और 5 किलो वेट में आपको वहाँ लिखना पड़ेगा 5000। अगर आप यहाँ ज़ीरो रहन देते हैं, अगर आप 5 किलो से कैलिब्रेट कर रहे हैं तो आपको वहाँ लिखना पड़ेगा 5000। और अगर आप Dummy0 को वन कर देते हैं तो वहाँ पर आपको फिर 10 कम लिखनी पड़ेगी। सपोज़ करिए जैसे कि आप फिर 5 किलो से अगर उसको कैलिब्रेट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 10 कम लगानी पड़ेगी, यानी कि अब आप मक्को वहाँ पर 5 किलो से कैलिब्रेट करने के लिए सिर्फ 500 लिखना पड़ेगा, वहाँ पर 500 एंटर करना पड़ेगा। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर Dummy0 को 2 कर देते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आपको अब 20 कम लगानी पड़ेगी, यानी कि 5 किलो से कैलिब्रेट करने के लिए सिर्फ आपको 50 वहाँ पर एंटर करना होगा। तो अगर मैं बता दूँ आपको, अगर आपका जो स्केल है अगर वो 30 kg में है, 30 kg तक Dummy0 को ज़ीरो रहने दीजिए। अगर आप 100 kg से ऊपर जा रहे हैं तो आप Dummy0 को वन कर सकते हैं। Dummy0 का यूज़ आप समझ ही गए होंगे, कैलिब्रेट करने के लिए वहाँ पर 10 आपको कम लगानी होगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में, फिर आएगा आपका Cap 1। कैप वन को मैं बता दूँ आपको, काफ़ी वीडियो में देखने को आपको मिलेगा, इसमें 3 कैपेसिटी होती है, Capacity 1, Capacity 2 और Capacity 3। आपको जितनी भी वीडियो दिखेंगी नेट पे अधिकतर उसमें आपकी यही सिर चटाई होगी दोस्तों कि आपको Capacity 1 को भी भरना है, 2 को भी भरना है और 3 को तो भरना ही होता है, मैंडेटरी होता है। आपको मैं बताना चाहूँगा, आप Capacity 1 को ऐसे छोड़ दीजिए, नील छोड़ दीजिए, मतलब कि इसमें कुछ भी मत भरिए, आपका खल्ली में दिमाग घूमेगा, इसके ज़्यादा आपका कुछ नहीं होने वाला। आप इसको छोड़ दीजिए, Capacity 1 को कुछ नहीं एंटर करना आपको। DP 1 है, 0 रहने देना है, FD 1 है, इसको भी आप 0 करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। Capacity 2 आएगी, इसको भी आपको पूरे को 0 रहने देना है, आपको सिर्फ Capacity 3 को भरना है। Capacity 3 में जब आप एंटर होंगे सिर्फ यहाँ पे आपको भरने की ज़रूरत होती है, यहाँ पर आपको सारा डाटा एंटर करने की ज़रूरत होती है। Capacity 1 को 2 को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, आपके कंटे पे, आपकी मशीन पे, आपकी विंग मशीन पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ आपको Capacity 3 पे सारा डाटा एंटर करना है। यहाँ पर Capacity 3 आएगा तो आपको यहाँ पर डालनी है आपकी कैपेसिटी कितनी है इसकी स्केल की। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने डाल रखा है इसमें 30,000 डला हुआ है, 30,000 जैसे ये डला हुआ है तो दोस्तों ये मेरा वर्क करेगा 300 किलो तक में, 300 किलो तक में दोस्तों ये मेरा वर्क करेगा। यहाँ पे आपका 30,000 लिखा हुआ रहा है, अगर आपका कंटा 1 क्विंटल से ऊपर है तो इसका मतलब ये समझिए यहाँ पे 30,000 जैसे लिखा आ रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा 3 क्विंटल में वर्क कर रहा है, मतलब कि ये 300 किलो तक का आपका वेट कर सकता है। ये आपकी यहाँ पर उसकी क्या हो गई, आपकी इसकी कैपेसिटी होगी। अगर आपको अपने कांटे को, अपनी वेट मशीन को 100 किलो तक में चलाना है तो आप यहाँ पे 10,000 फील्ड कर दीजिए, और अगर 200 किलो में चलाना है तो 20,000 फील्ड कर दीजिए, अगर 300 किलो में चलाना है तो 30,000 कर दीजिए, और अगर 4 क्विंटल में चलाना है यानी कि 400 किलो तक में चलाना है तो आप यहाँ पर 40,000 फील्ड कर सकते हैं। आप इसी इंडिकेटर को, मैं बता दूँ आपको, इसी सेटिंग को आप 100 किलो से लेके 500 किलो तक चला सकते हैं। सिर्फ इसके लिए आपको 2 चीज़ें चेंज करनी होगी, एक इसकी कैपेसिटी और इसका दूसरा आपको इसकी एक्यूरेसी चेंज करनी होगी। यहाँ पे जो आपका शिफ्ट का बटन दिख रहा है इससे आप 0 को शिफ्ट कर सकते हैं, और जो ये अप एरो दिख रहा है आपको इससे आप नंबर को फील्ड करेंगे, जैसे 1। अगर आपको 100 kg में करके दिखाता हूँ मैं पहले आपको,
ये वन हो गया, तो मेरे को यहाँ 10,000 करना है, वन हो गया। उसके बाद मेरे को इसको शिफ्ट करना है इधर, तो ये शिफ्ट का बटन जो साइड एरो है इससे मैं करूँगा इसको शिफ्ट, 1, 2, 3, 4। ये आपको यहाँ पर अब 100 kg तक दिखाएगा, 100 kg तक, मतलब कि आप इसमें वेट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको यहाँ पर 200 किलो का करना है इसको, तो यहाँ पर आपको 2 करना है और उसको आगे शिफ्ट कर देना है। ये 20,000 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये 200 किलो तक अब वर्क कर रहा है। मेरा ये 300 किलो तक है, तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट 300 कर देता हूँ। यहाँ पर एंटर करना है आपको 3 और उसके बाद इसको शिफ्ट कर देना है, इसमें कर देना है आपको 30,000, मतलब कि 30,000 इसमें शिफ्ट कर देना है। अब ये 3 क्विंटल तक आपका वेट कर सकता है कुछ भी। इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, होप करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो में अभी तक बने हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो हेल्पफुल है। इसी के साथ चलिए आगे स्टेप में चलते हैं, वीडियो ख़त्म नहीं है, अभी बने रहिए थोड़ा सा। और DP3-4 आएगा यहाँ पर आपका। DP3-4 का यूज़ क्या होता है, मतलब कि DP का यूज़ क्या होता है, 4 यहाँ पर लिख रहा है DP3-4। 3 फंक्शन में तो हम अभी इस टाइम पर हैं, और DP3-4 का मतलब हो गया जो 4 आ रहा है यहाँ पर, आपको 4 डिजिट शो होगी। जैसे आपका मतलब कि जब भी इस पर आप वेट रखना स्टार्ट करेंगे तो आपको 4 डिजिट से स्टार्ट होगा, मतलब कि पॉइंट के बाद आपकी 3 जीरो रहेगी और पॉइंट से पहले आपको 1 डिजिट रहेगी, उसके बाद बढ़ती जाएगी। जैसे ही 10 kg से अप होएंगे आप, वैसे ही पॉइंट से पहले की डिजिट अप हो जाएगी। DP3 को आपको 4 रहने देना है। अगर आप DP3 को 3 कर देते हैं या 5 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, तो मैं बता देता हूँ क्या होगा। DP3 को अगर आप 1 करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर आपको 10 ही दिखाई देगी, और उसके बाद आपका वेट ऊपर उतर जाएगा, वो आपको समझ में भी नहीं आएगा दोस्तों। DP2 में क्या होएगा, आपका 10 यहाँ आएगी, फिर पॉइंट यहाँ आएगा और 10 यहाँ आएगी। और अगर DP3 को 3 कर देते हैं, 10 यहाँ पर आएगी, 10 यहाँ पर, फिर पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहाँ पर आ जाएगी आपकी। और अगर आपकी डिस्प्ले बड़ी है तो आप इसको DP3 को 4 रहने देना। अगर सपोज़ करो जैसे कि आपकी में डिजिट कम है आपके स्केल में, तो आप इसको 3 भी कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। मेरी डिजिट मतलब कि पूरी है, मेरी बाजी इंडिकेटर में ये होता है कि मतलब कि उसमें डिजिट कम होती है, वो 50 kg के हिसाब से मतलब कि वो करा होता है, बनाया गया होता है। पर मेरे में ये 30 kg अप टू 500 kg तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो DP3 को मैं 4 रहने देना हूँ। अगर आपके में भी 6 डिजिट हैं स्केल में, तो आप इसको 4 रहने दीजिए। अगर आपके में डिजिट 5 हैं या 4 हैं सिर्फ, तो आप यहाँ पे इसको 3 या 2 कर सकते हैं। बट अगर आपके में डिजिट इतनी है, जैसे 1, 2, 3 चौथी डिजिट यहाँ जाएगी, 5वीं और 6वीं डिजिट ये है, तो आप इसको 4 ही रहने दीजिए। बाकी आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी डिस्प्ले के अकॉर्डिंग। तो DP3 को आपको 4 रहने देना है। और नेक्स्ट टाइम में चलते हैं इसके, इसी के साथ हम आ चुके हैं FD3-1 में। FD3 का मतलब होता है, ये आपकी एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी बोल सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको लिस्ट काउंट भी बोल सकते हो, जो भी आपको मन करे, जैसा आपको अच्छा लगे वो आप इसको बोल सकते हो। FD3 मतलब कि लिस्ट काउंट होता है, एक्यूरेसी होती है। जो 100 kg से ऊपर होता है उसमें अगर आप यहाँ पर 1 करेंगे तो वो 10 ग्राम में लिस्ट काउंट में काम करेगा, 10 ग्राम से मतलब कि आपका वेट लेना स्टार्ट करेगा। मतलब कि मिनिमम तो उसका कुछ भी हो सकता है, आपका 200 ग्राम या 300 ग्राम जो भी है आपका हो सकता है, आपके वेइंग स्केल के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। पर FD3 में अगर आप 1 करते हैं तो आपका लिस्ट काउंट 10 ग्राम होगा, मतलब कि 10 ग्राम प्लस माइनस हो सकता है, और 10 ग्राम के पेयर में वो चलेगा, 10, 20, 30 ऐसे करके वो वेट लेना स्टार्ट करेगा। अगर इसी के साथ FD3 को आप 2 कर देते हैं तो आपका लिस्ट काउंट 20 ग्राम से स्टार्ट होगा, 20, 40, 60, 80 ऐसे करके आपका वेट बढ़ना स्टार्ट होगा, मतलब कि लेना स्टार्ट करेगा 20 के पेयर में। FD3 को अगर आप यहाँ से 5 करते हैं तो आपका लिस्ट काउंट या आपकी एक्यूरेसी 50 ग्राम होगी, 50 ग्राम एक्यूरेसी होगी, फिर 50 ग्राम से लेना स्टार्ट करेगा, जैसे 50, 100, 150, 200 ऐसे लेना स्टार्ट करेगा, ऐसे आपका वेट बढ़ेगा 50 के पेयर में, 50, 100, 150, 200 ऐसे करके। तो अगर आपका स्केल 100 kg से ऊपर है तो आप इसको 100 kg तक है तो आप इसको 1 रहने दीजिएगा 10 ग्राम पे। और अगर आपका है 500 पे, अगर आपका 500 किलो हो चुका है तो वहाँ आप इसको 5 कर दीजिएगा, FD3 को 5 कर दीजिएगा। और अगर आपका 200 या 300 किलो पे है तो आप इसको 2 कर लीजिएगा,
चलते हैं अगले स्टेप में टेर से। इसके बाद स्केल आपका रिस्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैं पहले आपको उसकी सेट कर देता हूँ उसको मशीन पे, और उसकी आपको कैलिब्रेशन करके सब कुछ दिखाऊंगा फिर इसका भी। तो मैंने सेट कर लिया है इंडिकेटर को अपनी मशीन पे। इसके साथ अब मैं आपको उसको कैलिब्रेशन करके दिखाता हूँ। कैलिब्रेशन करने से पहले आपको उस पर वेट रखना होगा, जो जिससे भी आप कैलिब्रेट करना चाहते हैं आपको वो वेट रखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अभी हाल फिलहाल में 5 किलो का पार्ट, मैं इस पर रख के दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैंने 5 किलो का पार्ट इस पर रख दिया, इससे मैं आपको कैलिब्रेट करके दिखाऊंगा। फिलहाल देख लीजिए अभी वेट भी गलत बता रहा है, 5 किलो को ये अपना 4 किलो 530 ग्राम बता रहा है, देख सकते हैं आप 4 किलो 530। इसका कैलिब्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले अप एरो दबाना है, उसी के साथ आपको मोड बटन दबाना है। एंटर लिखा आएगा, एंटर आने के बाद आपको टेर का बटन या फिर टेर या जीरो दबाना है, जो भी आपके स्केल में हो टेर जीरो आपको प्रेस करना है। यहाँ से टेयर करने के बाद आपका यहाँ पे आएगा 5000, पर आप याद रखिएगा इसको आपको 5000 नहीं करना, क्योंकि आपने वहाँ पर डम्मी ज़ीरो को 1 किया था। डम्मी 01 मतलब कि 10 उसकी डम्मी 01 ले लेगा। आपको सिर्फ यहाँ पे 500 ही एंटर करना है। 500 करने के लिए सबसे पहले हम इसको शिफ्ट करके ज़ीरो कर लेते हैं, और अब 5 एंटर करता हूँ मैं अपर एरो से, 5 हो गया। इसके बाद मैं शिफ्ट कर देता हूँ इसको, 20 लगानी है मेरे को। अब ये 500 हो गया यहाँ पे, 5 डम्मी 0 क्योंकि 1 था, इसलिए हमारे को यहाँ पे 500 लिखना पड़ेगा। अगर डम्मी 0 होता तो फिर मेरे को यहाँ पे पूरा 5000 एंटर करना होता। 500 हो गया है, इसके बाद मेरे को टायर 0 करना है, उसके बाद आपका बिल्कुल वेट सही बताएगा। पूरा 5 किलो हो गया, मैं आपको वेट हटा के दिखा देता हूँ उस पर से, फिर मैं रखता हूँ। वेट रखने के बाद देख सकते हैं आप अपना पूरा 5 किलो बता रहा है। इसी के साथ अगर मैं आपको इस पर थोड़ा और 1 किलो वेट रख देता हूँ, देख सकते हैं आप 6 किलो रख दिया है मैंने इस पर, और अब 6 किलो का बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी मशीन का जो 100 kg से अपर हो, यानी कि 100 kg से ऊपर की मशीन हो आपकी, उसका आप कैसे प्रोग्रामिंग या सेटिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ उसका कैलिब्रेशन भी कभी हमने प्रोसेस बताया है। इस तरीके से आप अपना प्रोग्रामिंग सेटिंग या फिर कैलिब्रेशन सब कुछ कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो कृपया मेरे को चैप्ट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता है इसी प्रकार की एक और अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।